चलिए खबरों का रुख करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। गांधी परिवार की ओर से बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से इनकार के बावजूद पार्टी का एक धड़ा राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाने की मांग पर अड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज केरल जाकर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने के लिए मनाएंगे। इसके संकेत उन्होंने कल रात को सीएम आवास पर हुई विधायक दल की बैठक में दिए थे। गहलोत ने कहा था कि वो अंतिम समय तक राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने के लिए मनाएंगे। अगर फिर भी राहुल नहीं मानते हैं तो वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे, जिसके लिए विधायकों को दिल्ली आना पड़ेगा। साथ ही गहलोत ने विधायकों को ये भी संकेत दिए कि भले ही वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री भी वही रहेंगे। और गहलोत के इस संकेत के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार का 5वां बजट मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें 10 जिलों की घोषणा के साथ ही पूरा बजट युवाओं पर फोकस रहने वाला है। तो वहीं कांग्रेस हलकों में ये भी चर्चा है कि अशोक गहलोत किसी भी सूरत में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह 11 बजे जयपुर से दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि गहलोत इस दौरान राहुल को ही पार्टी की कमान सौंपने की मांग को फिर से दोहराएंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद दोपहर बाद विशेष विमान से दिल्ली से कोच्चि पहुंचेंगे और वहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने के लिए वो फिर से मनाएंगे। वहीं सीएम से जुड़े सूत्रों की माने तो गहलोत का मानना है कि राहुल गांधी से बेहतर पार्टी का नेतृत्व कोई नहीं कर सकता है। राहुल के नेतृत्व में ही पार्टी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी। तो सियासी हलचलें काफी तेज हो गई हैं, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकेत दे दिए हैं कि वो नामांकन भी दाखिल करेंगे, लेकिन राहुल गांधी को मनाने के लिए आज केरल भी जाएंगे, एक बार फिर से उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। तो अब से कुछ ही देर में जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री, जहाँ पर वो पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के साथ मुलाकात करेंगे और फिर दिल्ली से वो केरल जाएंगे, जहाँ पर राहुल गांधी से उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। इधर दिल्ली में सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नामांकन की बात सामने आ रही है, हालांकि वो इससे पहले से ही इनकार करते आ रहे हैं, लेकिन अब सियासी हलकों में जिस तरह की ये बातें चल रही हैं कि सोनिया गांधी भी ये बात स्पष्ट कर चुकी हैं कि कोई भी गांधी परिवार से अध्यक्ष नहीं होगा, तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी फिरोज फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का काउंटडाउन एक तरह से देखा जाए तो शुरू हो गया है अब, क्योंकि नामांकन भी अब दाखिल होंगे और ऐसे में मुख्यमंत्री आज जिस तरीके से दिल्ली पहुंच रहे हैं, दिल्ली से ये भी माना जा रहा है राहुल गांधी से मुलाकात के लिए कोच्चि भी जाएंगे, तो इस दौरे को किस तरीके से देखा जाए? हालांकि उन्होंने नामांकन के लिए भी एक तरीके से कल विधायक दल की जो बैठक हुई थी उसमें हाँ कर दिया है। थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे, वहां पर उनका पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी उनसे मुलाकात कर उनकी कार्यक्रम को बताया जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के साथ केरल जाएंगे और राहुल गांधी से इस बात आग्रह करेंगे कि उनको पार्टी की कमान संभालनी चाहिए और अध्यक्ष उन्हीं को बनना चाहिए। खुद मुख्यमंत्री गहलोत जब देर रात तक विधायक दल की बैठक करी, मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो राहुल गांधी को मनाने की अंतिम कोशिश करेंगे और उसके बाद अगर राहुल गांधी नहीं मानते हैं तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उसके लिए विधायकों को दिल्ली भी जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकेत दे दिए हैं कि वो पार्टी जो आदेश देगी, किसी तरह से उनका नाम चल रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, उस पर कहीं ना कहीं खुद उन्होंने अपने नाम पर मोहर लगाई है कि हाँ कि वो राहुल कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में है और अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनने से इंकार करते हैं तब वो नामांकन दाखिल करेंगे। जी फिरोज, बिल्कुल जैसा उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर राहुल गांधी नहीं मानते हैं तो वो नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन इसे अगर राजस्थान की राजनीति से जोड़कर देखें, क्योंकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वो नामांकन दाखिल करेंगे लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे, तो इसे किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए खुद मुख्यमंत्री के बारे में पहले ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तब भी वो
मुख्यमंत्री रहेंगे और खुद उन्होंने अपनी बात के संकेत पर रात को देख लिया कि वो मुख्यमंत्री भी रहेंगे और जो सरकार का पांचवा अंतिम बजट होगा वो खुद मुख्यमंत्री पेश करें, क्योंकि काफी अहम बजट है, क्योंकि चुनावी घोषणा है उस बजट में होनी है, 10 किलो की घोषणा मुख्यमंत्री करेंगे, साथ ही पूरा बजट जो है वो युवाओं पर फोकस रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं रनिंग पॉइंट जो है ये बजट को चुनाव का रहने वाला है, इसीलिए मुख्यमंत्री की पूरी मंशा यही है कि वो अंतिम बजट खुद पेश करके जाए, उसके बाद वो किसी और को मुख्यमंत्री की जो है कोशिश है वो होगा, लेकिन सियासी मायने भी पूर्ण करता रहे कि मुख्यमंत्री अपने जो भूत विरोधी हैं सचिन पायलट उनको किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं बनने देना जो है चाह रहे हैं, और उनके अंदर अपने किसी समर्थक को मुख्यमंत्री की अगर नाम है वो सोनिया गांधी को बता के जाएंगे, तो ऐसे में आने वाले दिन जो होंगे कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक बड़े जो अच्छा फिरोज, मुख्यमंत्री आज कोची भी जाएंगे राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए, तो वापस लौटने का कार्यक्रम कब का है? आज ही लौटेंगे? और फिर दिल्ली का पहले जो उनका प्रोग्राम था वो 25 से 28 सितंबर था, लेकिन वो अभी दिल्ली दौरे पर पहुंच गए हैं, तो क्या रुकने का भी कार्यक्रम बनेगा? सीधे वहीं से नामांकन दाखिल करेंगे दिल्ली आकर? देखिए पुनः अभी तक जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वापस आने का जो कार्यक्रम है वो जारी नहीं हुआ है, लेकिन पहले से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 25 से 28 दौरा था दिल्ली का, लेकिन अचानक से मुख्यमंत्री का कल कोची जाने का दौरा बना है, तो कहीं ना कहीं उसके कई कार्य जो है वो निकाले जा रहे हैं, जिस तरह से सोनिया गांधी ने भी साफ कर दिया है कि गैर गांधी परिवार से इस बार जो है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, उसके बाद से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जिस तरह से देर रात बैठक में भी संकेत दिए हैं कि वो अध्यक्ष पद के दौर में है, तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री एक बार फिर से राहुल गांधी से अंतिम आग्रह करेंगे कि उनको पार्टी कमान संभालना चाहिए, क्योंकि उनके उनकी लीडरशिप के अंदर पार्टी ने पहले से राजस्थान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार। चलिए बिल्कुल बिल्कुल फिरोज, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष का काउंटडाउन शुरू हो गया है और उसी के लिए आज दिल्ली पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वहां से केरल जाएंगे राहुल गांधी को मनाने के लिए, और अगर राहुल गांधी नहीं मानते हैं तो फिर मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि वो नामांकन दाखिल करेंगे।